रायसेन बमोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। विद्युत तार चोर गिरोह पकड़ाया, थाना बमोरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विद्युत चोर पुलिस की हिरासत में। विद्युत तार चोर गिरोह पकड़ाया, थाना बमोरी पुलिस ने भैंसर फीटर से सीतापुर तक के विद्युत तार चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। एक पिकअप सहित 5 लोग गिरफ्तार, जिन्हें आज बेगमगंज जेल पहुंचाया गया। 18 पोल से 11 केवी की विद्युत तार नहीं पहुंच पाया था। घटना स्थल पर 4-व्हीलर वाहन के और टायरों के निशान पाए गए। फरियादी द्वारा बताया गया, जब ओल्ड चेक कर रहा था तब पिकअप वाहन को तेजी से बमोरी की तरफ जाते देखा था। उस आधार पर सघन वाहन की तलाश आसपास के क्षेत्र में की जा रही थी। पुलिस द्वारा मुखबिर को सक्रिय कर वाहन के संबंध में जानकारी हेतु लगाया गया। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, एक पिकअप वाहन सिलवानी रोड पर पुल के पास खड़ा देखा गया था। सूचना पर थाना प्रभारी बमोरी व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो एक पिकअप में 11 केवी विद्युत तार एवं 5 लोग गिरफ्तार किए गए। फिर पुलिस ने पूछताछ की गई, उन्होंने विद्युत तार चोरी कबूल की। 2 लोग भानपुर के गाड़ी के हैं, 1 दहगांव के हैं, 2 शेरमऊ के हैं। धर्मेंद्र धाकड़ निवासी दहगांव, करोड़ी प्रसाद भी दहगांव के हैं। बमोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। खबर गुना से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपत्ति ने खुदकुशी की कोशिश की, बिलखते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर आरोप है कि उसने किसान कपल को बुरी तरह मारपीट की और घसीटा। मध्य प्रदेश का गुना, हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिराजेश सिंधिया का गढ़ है। यहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस एक दंपत्ति पर लाठी डंडे बरसा रही है, वहीं उसके बच्चे रो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस सरकारी जमीन के अतिक्रमण हटाने गई थी, उसी समय किसान दंपत्ति ने जहर खा लिया था। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, ये हम बताते हैं। गुना के कैंट थाना इलाके में जगतपुर चक्र पर मॉडल कॉलेज बनाने के लिए शासकीय कॉलेज प्रबंधक को 20 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले राजस्व विभाग की टीम की ओर से पुलिस टीम ने मिलकर अतिक्रमण हटवा दिया था। इसके बाद जमीन को कॉलेज प्रबंधन को सौंप दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोगों ने फिर से जमीन को घेरना शुरू किया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर राजस्व पुलिस और विभाग की टीम पहुंची मौके पर और खेती पर जेसीबी चलवाना शुरू कर दिया। इसके बाद इस जमीन पर खेती कर रहे दंपत्ति राजू और सावित्री अहिरवार की सरकारी अमले से झड़प हुई। सामने आए वीडियो में दिख रहा है, पुलिस दंपत्ति को पीट रही है। अपनी आंखों के सामने फसल खराब होते देख दंपत्ति ने जहर खा लिया। इस जमीन पर खेती करने वाले राजकुमार ने बताया उसकी पैतृक जमीन है, दादा परदादा इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। उनके पास पट्टा नहीं है, अब जमीन खाली पड़ी है तो कोई नहीं आया। 4 लाख रुपए का कर्ज लेकर बुआई की थी, जब फसल आने लगी तो इस पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने कहा परिवार में 10 से 12 लोग हमारे पास है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पति पत्नी ने पहले ही आत्महत्या की धमकी दी थी। अतिक्रमण हटाने गई टीम ने दंपत्ति की बात नहीं सुनी और उन्होंने जहर पी लिया। पुलिस ने दोनों को घसीटकर गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में राजकुमार पति पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। गिरधगंज से हमारे संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। बुधवार को नगर के टेकापार वार्ड 2 एवं कस्बा गड़ी में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पहचान की गई है। नगर के वार्ड नंबर 2 टेकापार इलाके में रहने वाली एक आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता एवं कस्बा गड़ी में रहने वाली एक स्वास्थ्य विभाग की दाई कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से टेकापार की महिला कील कोरोना अभियान के में संलग्न थी और दोनों महिलाओं के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की गई। गिरधगंज स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 2 घंटे में खुले अस्पताल परिसर में इंतजार करता रहा कोरोना मरीज।
कोरोना पीड़ित महिलाओं को रायसेन कोविड सेंटर भेजे जाने की कार्रवाई की गई, परंतु उन्हें भेजे जाने के पूर्व गैरतगंज अस्पताल के गेट पर घंटों खुले में बैठाया गया। लगभग 2 घंटे यह महिला खुले में बैठी रही। इसके पास ना तो प्रशासन की कोई कर्मचारी देखरेख के लिए मौजूद था और ना ही स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मचारी। गैरतगंज से हमारे संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट।